इंडियन नेवी द्वारा वैकेंसी से संबंधित एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है 27 जनवरी से प्रारंभ होकर जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है 8 फरवरी तक चलने वाला है। तो अब आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है सब पर बात करेंगे, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है कुल मिलाकर कितनी होनी चाहिए। तो जो सेकंड पैरा दिया गया, सेकंड पैरा में आपका वैकेंसी बताई गई है, साथ साथ में आपकी एज बताई गई है, और ब्रांच भी दिया गया है आपका किस ब्रांच के लिए कुल मिलाकर कितनी वैकेंसी होने वाली है। जो पैरा नंबर 2 है उसमें सेक्शन ए आराम से इसको रीड कर सकते हैं। जो ब्रांच है आपका एजुकेशन ब्रांच है, एजुकेशन ब्रांच के लिए आपकी 5 वैकेंसी रखी गई है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जुलाई 2005 के मध्य आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। वही एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच की बात करें, आपकी 30 वैकेंसी रखी गई है, जिसमें आपका जो एज है सेम एज रखा गया है। जो क्राइटेरिया आपका एजुकेशन ब्रांच के लिए है वही आपका सेम एज आपका एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए रखा गया है। कुल मिलाकर जो वैकेंसी है 35 आपकी टोटल वैकेंसी है, और जो आप कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है उस पर भी बात करेंगे तो आराम से इसको देख सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखी गई हैं, जो पैरा नंबर 3 और 4 दिया गया है, इसमें साफ साफ बता दिया गया है कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले हम पैरा नंबर 4 को रीड करेंगे, तो हु कैन अप्लाई, अर्थात कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। तो जहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया, जो कैंडिडेट जिन्होंने जेईई मेन में अपना एग्ज़ाम दिया था और उसी के आधार पर उनका सिलेक्शन होगा एसएसबी के लिए, उनके जो कॉल लेटर जारी किए जाएंगे वह उसी के बेस पर आपका जो कॉल लेटर जारी किया जाएगा एसएसबी के लिए। जो कैंडिडेट्स जेईई की परीक्षा में बैठे थे 2021 वाली में और आपका मेन वाले में, प्री वाले को छोड़कर प्री वाले जो कैंडिडेट्स बैठे थे उनको यहाँ पर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल नहीं करना है, केवल उन कैंडिडेट्स को फिल करना है जिन्होंने मेन की परीक्षा दी थी। और साथ में ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट आपको, आप यहां से इसको देख सकते हैं, जो आपकी लिस्ट जारी की गई थी CRL कॉमन रैंक लिस्ट 2021 में जो NTA द्वारा पब्लिश की गई थी, तो जो आपकी वहां पर रैंक है उसी रैंक के अकॉर्डिंग आपका यहां पर सिलेक्शन लिया जाएगा, अर्थात उन्हीं कैंडिडेट्स को यहां पर कॉल लेटर दिया जाएगा SSB के लिए जिनकी रैंक हाई होगी। कुल मिलाकर 35 वैकेंसी है, तो कंपटीशन तो हाई होगा ही, लेकिन आपका जो सिलेक्शन के चांस हैं वो भी बहुत ज़्यादा चांस होने वाले हैं। जो कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करेगा और थोड़ी बहुत भी उसे नॉलेज है एसएसबी से संबंधित, तो आई थिंक यहाँ पर उसका सिलेक्शन श्योर है। और वहीं आपका सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रिटर्न एग्ज़ाम आपका होगा नहीं, केवल आपकी ऑल इंडिया जो मेरिट लिस्ट लगेगी आपके एसएसबी के थ्रू आपकी लगने वाली है। और कौन कौन कैंडिडेट्स के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपका CRL के अकॉर्डिंग आपका वहाँ पर देखा जाएगा। और वहीं जो SSB आपका लिया जाएगा बंगलौर, भोपाल, कोलकाता, साथ में आपका विशाखापट्टनम दिया गया। आपका जो टाइम शेड्यूल रहेगा किस मंथ में आपका SSB लिया जाएगा उसमें यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, आपका मार्च एंड अप्रैल में आपका SSB ले लिया जाएगा। और वहीं आपकी जो ज्वाइनिंग है जुलाई मंथ में आपकी ज्वाइनिंग प्रारंभ हो जाएगी। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे तो उनको बता दिया जाएगा उसकी ईमेल आईडी पर, तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया जब तक आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो जाता है तो आपकी जो ईमेल आईडी है जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान यूज़ की थी, साथ में आपका जो फ़ोन नंबर है आपको वह चेंज नहीं करना है। यदि आपने चेंज कर दिया और यदि आप शॉर्ट लिस्ट किए गए तो परेशानी आपके लिए वहाँ पर होगी, जो यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो कैंडिडेट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन अर्थात आपका 10+2 पैटर्न का जो भी एग्ज़ाम है, जो कैंडिडेट 10+2 का एग्ज़ाम देकर आए हैं अभी और जिन्होंने जेईई मेन में पार्टिसिपेट किया था, एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पर उनको अप्लाई कर सकते हैं अपना जो भी यहाँ पर इंडियन नेवी द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। और आपके यदि आपने 10+2 नहीं किया है उसके इक्विवेलेंट यदि आपने एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट किया है किसी भी बोर्ड से, चाहे आप स्टेट्स बोर्ड से हो चाहे आप CBSE बोर्ड से हो, और यदि जिसमें आपका 70% एग्रीगेट होना चाहिए, जिसमें आपकी 3 सब्जेक्ट सम्मिलित की गई है, 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स PCM, इसमें आपका 70% मार्क्स होना ही चाहिए 10+2 में।
और कम से कम 50% आपका इंग्लिश में होना चाहिए। आप यहाँ से आराम से इसको रीड कर सकते हैं। एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स आपका इंग्लिश में होना चाहिए। और हु कैन अप्लाई इसको मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो आई थिंक जो भी मेन पॉइंट थे उन सब पॉइंट पर हम बात कर चुके हैं। तो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है 27 जनवरी से प्रारंभ होकर 8 फरवरी तक चलने वाला है। तो जो भी कोई कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है तो आराम से आप अपना अप्लाई करें, और आपका जो सिलेक्शन होने का चांस है बहुत ज़्यादा आपका चांस है, जिसमें आपका जो ब्रांच है ब्रांच भी बहुत अच्छी, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। एजुकेशन ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच है, और वैकेंसी भी ठीक ठाक है आपका देखा जाए तो। और आप परमानेंट कमीशन के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जाओगे यदि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है। और वहीं आपकी जो ट्रेनिंग शेड्यूल है जुलाई में आपका ट्रेनिंग प्रारंभ हो जाएगा। कुल मिलाकर आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वह 4 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड होने वाला है। और जो भी नेक्स्ट आपका होगा वह सब पॉइंट पर बात करेंगे, फिलहाल आपको इतना ही बताना था। और जो भी कोई कैंडिडेट्स इस वीडियो को वॉच कर रहा है तो अधिक से शेयर करें, जिससे कि जो कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल हैं तो उन तक यह वीडियो पहुंच जाए। और अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं, आपका 10+2 होना चाहिए, साथ में आपका CRL रैंक आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी, जो भी आपका यहाँ से आराम इसको रीड कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स जो भी यहाँ पर बताए गए हैं 10+2 की आपको मार्कशीट चाहिए, साथ में आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है। बहुत सारे जो स्टेट बोर्ड होते हैं वह उनके 10th में ही आपकी डेट ऑफ बर्थ दी जाती है, और बहुत सारे ऐसे स्टेट बोर्ड भी है यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो यदि आपके सेम में ही है तो आपको वहाँ पर अलग सर्टिफिकेट की ज़रूरत है नहीं, और यदि आपका 10+2 में नहीं है तो वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की। तो यही आपको फ़िलहाल बताना था। थैंक्स, जय हिंद।